हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएस मैथ्स डाउट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। अभी आपके सीजीएल टियर वन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अराउंड 1 वीक हो चुका है। कम से कम 7 दिन, 6-7 दिन के एग्ज़ाम आपके ओवर हो चुके हैं। 9 तारीख डेट से जो है ये स्टार्ट हुए थे, तो आज हम बात कर लेते हैं कि इनका एनालिसिस के बारे में, और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल एसएससी के अकॉर्डिंग ये जो है आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस बैन हो चुका है। ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं आपको एग्ज़ाम का ओवरव्यू दूंगा बस, कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है और आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाने हैं। तो चलिए एक बार, और इसके अलावा हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कि मेरे को भी है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अभी मेंस की तैयारी करें या फिर सीजीएल 2025 की। सो आइए एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम लेवल की अगर बात करें तो सीजीएल टीयर वन 2024 का अभी ऑनगोइंग एग्जाम्स चल रहे हैं। इनका लेवल जो है वो मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा ईजी है और ना ही ज़्यादा टफ है। अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो इसमें 20 से 21 क्वेश्चन आपके डुएबल हैं। इसके अलावा 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लॉजिकल हैं और टाइम टेकिंग है। अगर रीजनिंग की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके डुएबल हैं। रिमेनिंग 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडरेट हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इंग्लिश की अगर बात करें तो मेरी शिफ्ट में जो है ईजी थी। इसके अलावा एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप एक बार रिवाइज करके जाना, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो नए पूछ रहे हैं, जो पुराने हैं वो नहीं आ रहे हैं। जीके जीएस की बात करें तो दोस्तों इसमें सब्जेक्टिव जीएस जो है आपकी ज़्यादा आ रही है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स का टॉपिक एक बार आप देख के जाना, और इसके अलावा अवार्ड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियंस, ये टॉपिक जो है एक बार आप देख के जाना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए, यूआर की पिछली बार वन फोर यूआर की जो सी ये मैं आपको एक बार सीएचएसएल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। सीएचएसएल में आपकी यूआर की 145 से 155 मैंने बताया था, और ये आपकी कट ऑफ रही 157। ईडब्ल्यूएस मैंने 140+ बताई थी, ये आपकी 150 रही है। ओबीसी मैंने आपको 140+ बताई थी, ये आपकी 156 रही है। ओबीसी की कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला है। एससी की अगर बात करें तो मैंने आपको 135+ बताया था, ये आपकी 139 गई है। और एसटी की बात करें तो 130+ मैंने आपको बताया था, ये आपकी 129.4 गई है। ये तो था हमारा सीएचएसएल का, जिसमें 3712 वैकेंसीज हैं और जिसका कि अभी मेंस होना है। सो दोस्तों इसका भी सेंटर मेरा तो काफ़ी दूर आया था सेंटर, तो मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ ये क्लियर। मेरा ये सेंटर जयपुर था, और हालांकि मेरा जीएल का भी सेंटर काफी दूर रहा, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा एग्जाम नहीं हो पाया एज एक्सपेक्टेड। सो अब क्या करें, ये बात करते हैं। एक बार मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मुझे लगता है क्या कट ऑफ रहेगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे, ये आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या प्री नेक्स्ट 2025 की प्रीलिम्स की। देखिए यूआर की बात करें तो इसमें 145+ -2 आप कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 135+ -2 कर लीजिए। ओबीसी की बात करें तो इसमें 140+ -2 कर लीजिए। और एससी की बात करें तो इसमें 125+ -2, और एसटी की बात करें तो इसमें 120+ -2। सो ये जो है आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। यूआर की आपकी अराउंड 150 को टच कर जाएगी। हालांकि इस पे आप 100% बिलीव ना करें, ये मैं आपको बस रफ आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि अभी मेंस की तैयारी करें या नहीं, या फिर सीजीएल 2025 की स्टार्ट करें। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी 2025 की जो है तैयारी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे डाउट है अभी टीयर वन पे। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे एमडीएस बाई रोहित के नाम से जो टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, और
यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है मैथ्स डाउट सॉल्यूशंस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में जो आपको कंप्लीट मैथ यहाँ पे करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैथ और रीजनिंग का टॉपिक वाइज एक एक वीडियो लाने का, क्योंकि इससे पहले मेरे को जो है काफी मतलब टाइम